बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज ये सिस्टम अर्थिंग पे मैं पहले भी कर चुका हूँ, उसके हवाले से ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस के हवाले से रेजिस्टेंस अर्थिंग की बात कर रहे हैं। पहले मैंने आपसे कहा था कि जो है सिस्टम अर्थिंग में TT, IT और TL ये तीन सिस्टम्स हैं, और उसमें IT में दो सिस्टम्स हैं जिसमें एक में न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं करते और एक में न्यूट्रल को ग्राउंड करते हैं थ्रू रेजिस्टेंस। तो इस ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस के हवाले से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि इसमें करते क्या है कि द ग्राउंड करंट कैन बी लिमिटेड बाय वेरियस मेथड्स लाइक रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग, रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। और उसमें रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग में ये है कि न्यूट्रल ऑफ द ट्रांसफार्मर को जो है ना आप उसको जो है ना इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, जैसे ये स्लाइड में पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है। और उसमें इसके कुछ बेनिफिट्स हैं वो मैं बताऊँ, नॉर्मली ये तकरीबन हाई टेंशन में ज़्यादा करते हैं, और इसके बेनिफिट्स ये हैं कि बर्निंग और मेल्टिंग इफेक्ट्स कम हो जाएंगे, कि जब आप करंट की वैल्यू कम करेंगे तो ये बर्निंग मैकेनिकल स्ट्रेसेस कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक शॉक हैजर्ड्स कम हो जाएंगे, और आर्क ब्लास्ट कम हो जाएगा, मोमेंट्री लाइन वोल्टेज डिप भी कम हो जाएगी इसके अंदर। ये स्लाइडें आपके सामने हैं, ये अभी आपके सामने आ रही हैं, तो आप ये देख लें कि इसमें ये सारी चीज़ें ये कम होंगे। और इसमें दो टाइप के मेथड होते हैं कि न्यूट्रल रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग में, एक लो रेजिस्टेंस और एक हाई रेजिस्टेंस। और हाई रेजिस्टेंस के हवाले से वो नॉर्मली हाई टेंशन पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये देखें ये पिक्चर, ये स्लाइड अगर आप देखें, हाई रेजिस्टेंस ग्राउंड अप्लाइज ए न्यूट्रल रेजिस्टर ऑफ हाई ओमिक वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज सिलेक्टेड टू लिमिट द करंट IL टू ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू और स्लाइटली ग्रेटर दैन द टोटल कैपेसिटेंस चार्जिंग करंट 3 times ICO एज शोन इन द फिगर। हाई रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग में टिपिकली द ग्राउंड फ्लोर करंट को लिमिट करते हैं 10 एम्पियर तक, और उसकी कैलकुलेशन है वो आप इस स्लाइडों में देख भी लेंगे। इसको मैं डिटेल में बाद में किसी वेबिनार में इसको डिस्कस करूँगा। और उसके बाद जो है ना इसमें अलार्म भी, मतलब कि ये पिक्चर है आपके सामने है, लो रेजिस्टेंस में आपको ये इसके वो नॉर्मली इसमें NGR लगाते नहीं है, लेकिन लो रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग इसमें लिमिट ग्राउंड फॉल का करंट जो है 100 से 1000 एम्पियर तक है, और विद 4.5 बींग अ टिपिकल द न्यूट्रल रेजिस्टेंस आर शोन सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू R, और इसमें V लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज और नीचे करंट जो ग्राउंडिंग करंट है उसके हिसाब से। और फिर एक ये स्लाइड अगर आप ये देखें तो ये पूरी स्लाइड डिफरेंट सिस्टम्स के हवाले से लो रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग के हवाले से आपके सामने है जिसमें किस तरह किया जाता है। इसका एक एडवांटेज है कि ये भी है कि IT सिस्टम में आपको फर्स्ट फॉल्ट में ट्रिपिंग नहीं मिलती, जितने क्रिटिकल लोड्स हैं IT सिस्टम में उसमें फर्स्ट फॉल्ट पर ट्रिपिंग ना हो तो फिर आप कोई भी क्रिटिकल काम अगर आप कर रहे हैं, चाहे ऑपरेशन थिएटर में, हॉस्पिटल में हो, एरोप्लेन पे हो, तो वहाँ पे एक अगर फेज़ आपका ग्राउंड होगा तो अगर आपका सिस्टम की रिलायबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी, सिस्टम ट्रिप नहीं करेगा, तो आप फिर प्लान वे में उसके सिस्टम को आप उसकी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं कि कोई एक भी अगर ग्राउंड फॉल्ट आ रहा है तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। और इसमें कुछ और भी काम करने पड़ते हैं, जारी बात है जब आप रेजिस्टेंस लगाएंगे या रिएक्टेंस लगाएंगे तो अगर बड़ा वैल्यू है तो उसमें हीटिंग भी आएगी, जब उसमें से फॉल्ट करंट को जब आप रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो उसमें फिर कूलर वूलर भी लगाने पड़ते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन आपकी ये एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि आप क्या करें और क्या ना करें, तो ये इंजीनियर का डिसीशन है। मेरी अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो मैं डिसीशन भी नहीं ले सकता, या अपनी मैनेजमेंट को एडवाइज ही नहीं कर सकता कि ये भी किया जाए। तो जनरली 11 kV के या उससे ऊपर जो है ना उसमें NGR बल्ब ज़रूर लगाया जाता है, लेकिन अगर आप लो रेजिस्टेंस में लो वोल्टेज में भी बेनिफिट चाहते हैं तो आप NGR का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।